So, दोस्तों आज आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ ड्रिलिंग टूल्स के साथ में और ब्रांड न्यू हाइलक्स के साथ में। तो इस वक्त मैं आया हूँ motorgarage.in गुरुग्राम, जहाँ पर भाई लोग तैयार कर रहे हैं एक और बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड केपेबल हाइलक्स को। सो आज वाले ब्लॉग के अंदर क्या क्या हाइलक्स में मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, पीछे वाली हाइलक्स में क्या सारी चीज़ें चेंज हो रही है, अंडर बॉडी नीचे की तरफ क्या क्या हाइलक्स में अलग से चीज़ें होती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला ब्लॉग कौन सा बनाए, ऐसा कोई भी कॉन्टेंट मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को दबा दें। सेम टाइम आप नीचे कमेंट कर दें कि आपको किस प्रोडक्ट किस चीज़ के ऊपर डिटेल वीडियो देखना, विल ट्राई कि हम उसके ऊपर अलग से एक वीडियो लेकर आएँ। और अगर आप लोगों के पास में भी ऐसी कोई ऑफ रोड केपेबल मशीन है और आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से उसे टेस्टफुली मॉडिफाइड कराना, तो नीचे की तरफ motorgarage.in गुरुग्राम का डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, आप उन्हें कॉल करो, परेशान करो, बहुत सारे सवाल पूछो और अपने लिए एक अमेजिंग पिकअप ट्रक से लेके ऑफ रोडिंग मशीन तैयार कराओ। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं हाइलक्स के मॉडिफिकेशन के एक अलग एक्सपीरियंस पे। सो दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हाइलक्स नीचे से दिखती कैसी। सो फर्स्ट टाइम हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं नीचे की तरफ। सबसे पहले इसमें जैसे आप नीचे की तरफ देखते हो, एक शॉकर इस तरफ आता है, दूसरा शॉकर उल्टी तरफ आ रहा होता है, यहाँ पर आ जाता है डिफरेंशियल और उसके साथ ही यहाँ पर लीव स्प्रिंग सस्पेंशन आ रहे होते हैं, जिसमें भी अलग से यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है। मेरी तो बेसिक देसी गेटअवे थी। हाँ, हेडलाइट सेंसर ये वाला, हेडलाइट लेवलिंग के लिए। ओ माय गुडनेस यार भाई, थैंक यू सो मच। सो हमारे साथ में मोटर गैराज से अमन भाई। भाई अच्छा, तो ये लीफ अगर नीचे होगी तो हेडलाइट अपने आप सेंस कर ले, लेवल कर लेगी अपने आप। यार तभी सोचो मेरी गेटअवे में लाइटें हरदम ऊपर नीचे क्यों जा रही होती, देसी रह गई ना वो इस वजह से। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं। एक तो इसके अंदर यहाँ पर ना पीछे ऑफ रोड बम्पर लग रहा है, राइट? हाँ जी। सो ऑप्शन का रेयर में ऑफ रोड बम्पर है जिसमें चार पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं और यहाँ टोइंग हुक का एक आपको पॉइंट भी मिलता है, जिसके साथ रिकवरी पॉइंट दो यहाँ पर भी मिल रहे होते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर टोइंग कैपेसिटी के साथ में आता है और यहाँ पर इसके माउंटिंग पॉइंट आ जाते हैं। थैंक यू सो मच, गाड़ी ऊपर करने के लिए हम ढंग से देख सकते हैं। सेम टाइम ये लाइटें क्यों खोल रखी है यार यहाँ पे? इसमें शटर इंस्टॉल कर रहे हैं भैया, उसके वाटर आउटलेट के लिए होल करने पड़ते हैं। यस, सो बेसिक फंडा ये है कि जब आप शटर लगाओगे तो शटर पे आने वाला पानी कहीं से तो निकलना चाहिए, इस वजह से यहाँ पर आता है। जैसे आप नीचे की तरफ देखते हो, भाई ने एक बार पहले गाड़ी कस्टम करी थी जिसमें यहाँ पर ना ड्रम की जगह डिस्क ब्रेक कन्वर्जन किया था। यार वो मैंने मिस कर दिया, पर अगली बार मैं जल्दी से आ जाऊँ करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा भैया। यस, अब उससे फायदा ये होता है दोस्तों कि गाड़ी की कंट्रोलिंग और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप नीचे देखोगे, देखो हाइलक्स में बहुत सारी चीजें चेंज है। बहुत बड़ी साइज का आपको टैंक मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 80 लीटर प्लस तो होगा ही होगा, 80 लीटर का मेरी गेटअवे में आता है, तो उतना बड़ा तो टैंक यहाँ पर दिख रहा है। इस पे यहाँ पे प्लास्टिक का कवर है, तो अगर किसी को और ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो मेटल का लगवा सकता है। मेटल के प्रोटेक्शन से याद आया, नीचे की तरफ भैया लोग जो है वो यहाँ पर अंडर बॉडी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो ओरिजिनल प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मात्र ये एक इतनी सी प्लेट नीचे की तरफ आती है। एंड दोस्तों बहुत बेसिक सी बात है, आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, कंपनी ने छोटी प्लेट इसलिए दी क्योंकि वो यहाँ पर ना गाड़ी की एफिशिएंसी तो अच्छी रखना चाहते हैं, पर थोड़ा सा गाड़ी को लाइट वेट कर दो, हर इंसान ऑफ रोडिंग नहीं करता। हाँ मतलब कॉस्ट कटिंग कह सकते हैं। सो कॉस्ट कटिंग के लिए छोटी प्लेट लगी हुई है, पर जो भैया बड़ी गाड़ी ले रहे हैं वो कॉस्ट कटिंग के पीछे क्यों पड़े? तो आप देखो अच्छी खासी यहाँ मेटल प्लेट है। अब इससे दो फायदे हैं, पहला जब ये प्लेट लगी हुई रहेगी तो यहाँ पर कीचड़ मिट्टी बिल्कुल भी नहीं आएगी, जिसकी वजह से इंटरनल पार्ट्स की वैल्यू लाइफ और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये यहीं से ही स्टार्ट है, तो पूरा का पूरा नीचे की तरफ जितना भी जोन है वहाँ कीचड़ मिट्टी ना लगने की वजह से प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा। आपको दो रिकवरी यहाँ पर पॉइंट मिलते हैं, एक वहाँ पर एक यहाँ पर। हालाँकि इनकी स्ट्रेंथ ओकेश है, ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ी है, मगर फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइलक्स में कहाँ पर आपको रिकवरी पॉइंट मिल रहे होते हैं। नीचे की तरफ जब आप इस तरफ देखते हैं तो बिल्स टीन के यहाँ पे सस्पेंशन लग रहे हैं एंड सस्पेंशन के साथ ही अपर आर्म ऑप्शन की लग रही है। तो अब सस्पेंशन जो है ये वाला ओरिजिनल के कंपेयर में थोड़ा सा मोटा और अच्छी कैपेबिलिटी वाला है, जिससे कि ऑफ रोड कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। हाइलक्स के केस में आपके पास ऑप्शन बहुत है, मतलब बहुत यार है किंग प्रोफेंडर BP51 जो बोलेगा वो मिलेगा भैया। यस, तो सस्पेंशन अपग्रेड करने के बाद में परफॉर्मेंस जो है वो अपने आप गाड़ी की चेंज हो जाती है, गाड़ी लिफ्ट भी हो जाती है और उस पर होने वाले खर्चे कम हो जाते हैं। इवन बहुत सारे लोग तो डिस्क रोटर्स भी चेंज कराते हैं। आप इस तरफ देख सकते हो दोस्तों कितनी बड़ी साइज का यहाँ पर
आपको यहाँ जो कैलिपर है वो मिल रहा होता है। फिर भी जिन लोगों को इतने बड़े पिकअप ट्रक की एफिशिएंसी बढ़ानी होती है वो इसमें भी अपग्रेड कर देते हैं। एक और दोस्तों मैं आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं डीएफ कहाँ पर आता है, तो आप यहाँ पर देखो जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का जो टैंक है वो यहाँ पर आपको मिल रहा होता है, जिसके साथ ही यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नीचे की तरफ यहाँ पर भी एक मेटल प्लेट आती है। एंड जितने लोगों को नहीं मालूम हम बता देते हैं, ये जो जगह दिख रही है ना एग्जॉस्ट में कैटेलिटिक कन्वर्टर के पास, यहाँ पर ही इंजेक्टर लगा होता है जहाँ से वो डीएफ जो है वो स्प्रे होता है और गाड़ी जो है वो पॉल्यूशन कम कर रही होती है। अब क्योंकि हाइलक्स 4x4 आती है तो यहाँ पर आपको एक शाफ्ट दिखेगी, बड़ी क्यूट छोटी सी शाफ्ट है, हालांकि इसका ध्यान रखें पीछे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी आपको शाफ्ट मिलती है एंड इस शाफ्ट के भी कोने पर यहाँ पर आपको एक इस तरीके का वायर मिलता है, इनकेस कभी भी ये शाफ्ट खुल जाए तो एकदम से नीचे आके ना टकराए, इसके ऊपर अटकी हुई रह जाए, विच इज़ ए क्लेवर डिसीजन। अब बाबा मुझे एक बात बताओ, इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन होने वाला है ये बताओ मुझे। इसमें टायर अलॉय अपग्रेड होंगे भैया, अलॉय और टायर दोनों अपग्रेड होंगे, दोनों अपग्रेड होंगे। और 265 डाल रहे हैं 285 डाल रहे हैं वो देखते हैं भैया को जो पसंद आएगा। हाँ जो टायर ब्रांड भी जो चीज है वो उस हिसाब से डाल देंगे। अंडर बॉडी प्लेटिंग हमने देख ली, सस्पेंशन बिल्स्टीन के चेंज हो चुके हैं। हाँ जी। और ये जो है बिना रिजर्व वायर वाले हैं जो कि जो भी मतलब कहते हैं ना मैन कम्फर्ट के लिए, बेसिकली कंफर्ट के लिए लगवा रहे हैं। अच्छा कंफर्ट के हिसाब से। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को इस तरफ दिखा देता हूँ, जो एंडेवर है इसके भी यहाँ पर आपके पास में सस्पेंशन अवेलेबल है जिसमें आपको अलग से एक रिजर्व वायर मिलता है, क्लिक के साथ में आप कम और ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस गाड़ी में अलग से सस्पेंशन भी अपग्रेड हो रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो रोल बार है यार ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक शेप में दिख रहा है, और यहाँ से जब आप देखोगे ना दोस्तों तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई मशीन गन हो। तैयार बाबा एक बात बताओ, ये भी इसमें इंस्टॉल हो रहा है? ये भी इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। मशीन गन भी लगा रहे हो क्या? कोई दो असली दोनों साइड एक दो नहीं, ये वाली, हाँ ये वाली तो आप लगा रहे हो पर असली वाली LMG थोड़ी लगा रहे हो कोई? नहीं, बड़ी नहीं, असली नहीं लगा रहे हो, ये पुलिस पकड़ ले जाएगी। सो यहाँ पर रोल बार का दोस्तों सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब भी आप अपनी गाड़ी को लेकर चलते हो भगवान ना करे पर इन केस अगर वो कभी भी टॉपल हो जाए तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट बना हुआ रहता है गाड़ी के स्ट्रक्चर के अंदर। तो चलो रोल बार लगी रहा है, उसके साथ में यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें दिखी रही है, उसके साथ में ये जो लीफ स्प्रिंग्स हैं ये स्टॉक रख रहे हैं, इसको भी चेंज कर रहे हैं? इसको भी कम्फर्ट के लिए चेंज कर रहे हैं। अच्छा, और अभी जो लीफ स्प्रिंग्स हैं वो ऐसी ही दिखने में होगी या थोड़ी अलग सी होगी? दिखने में ऐसी होगी। ओके ओके, और उससे कंफर्ट इंक्रीज हो जाएगा? कंफर्ट इंक्रीज, क्योंकि होता क्या है इतना सारा सामान हम डालते नहीं, लोड रेटेड ये वाली होती है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा गाड़ी उछल रही होती है। उसके अलावा शटर लग रहा है, और क्या क्या हो रहा है? शटर हो रहा है, रोल बार हो रहा है, साइड फुटस्टेप मेटल। ओह यस, ये तो हम भूल ही जाते, साइड में भी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन के ही साइड फुटस्टेप्स लग रहे हैं जिससे कि इसका लुक भी एनहांस हो रहा है, सेफ्टी भी एनहांस हो रही है, एंड सेम टाइम रनिंग बोर्ड जो है वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो जाएगा। जब गाड़ी का सारा काम हो जाएगा तब नीचे उतार के दिखा देंगे। और क्या क्या हो रहा है? ऊपर रूफ लाइट लगाइए। ओके, ऑटो फोल्ड रिले लगेगी इसमें अभी तो बस यही है भैया। और ये बस नहीं है, ये बहुत सारा काम है। तो अब भैया और ज्यादा कराना चाहते थे, उन्हें गाड़ी टाइम पे भी चाहिए थी, आज ही में चाहिए थी गाड़ी। ओके ओके, तो ये अच्छा, ये पूरे सिंगल डे के अंदर सारा काम हो जाएगा। सो दोस्तों आप देख सकते हो ये पूरा काम भाई लोग मिलके एक दिन में पूरा करके दे रहे हैं, एंड गाड़ियां तो बहुत सारी आ रही होती है पर अपॉइंटमेंट के हिसाब से फिक्स है। सो दोस्तों अभी काम होने देते हैं, जिसके बाद में आप लोगों को दिखाते हैं कि पूरा का पूरा इस गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। सो दोस्तों सुबह से हो चुकी है रात, रात में भी एक काम करते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं क्या टाइम हो रहा है। सो अभी बज रहे हैं 9:34। सो मिलिट्री ट्रेनिंग द्वारा हो रहा है इस गाड़ी का पूरा काम, और हालांकि धीरे धीरे काम करते हैं तो थोड़ी चीज़ों में समय तो देखो लगता ही लगता है, पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इस गाड़ी में क्या क्या लग चुका है, फिर ओनर भैया से भी मिलवाएंगे। सो एक और वैभव भैया उड़ीसा के हमारे दोस्त बन गए, इससे ज़्यादा अमेजिंग क्या हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही इसमें कुछ इस प्रकार की व्हील आर्चेज लगी हुई है, लुक को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है। जैसे ऊपर की तरफ देखते हैं वैसे ही इसके अंदर कुछ इस प्रकार का मशीन गन वाला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रोल बार लगा हुआ है। अच्छी बात यह है कि इसमें यहाँ पर आपको साइड में इंडिकेटर्स मिलते हैं LED में, जिससे आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही टेल लैंप के साथ में एक और आपको कनेक्शन मिलता है, तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वाला जो एक्सपीरियंस है वो आपका और ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी फिटेड दो शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। फ़ायदा है दोस्तों, जब भी आप इसको छोड़ते हैं तो धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जाता है, मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मेरे पिकअप ट्रक में। एंड उसके साथ ही यहाँ पर जब आप देखते हैं वैसे ही आपको
मिलता है रोलिंग शटर। सो हमारे साथ अमन भाई है, थैंक यू सो मच। रोलिंग शटर से सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि आराम से इसे बंद कर दो, चीज़ें सेफ रहती है एंड लुक भी अच्छा रहता है। एंड इसमें भी आपको यहाँ पर ड्रेनेज प्लग मिलता है, सो जो भी पानी यहाँ पर होता है वो आराम से निकल कर नीचे चला जाता है। थैंक यू सो मच इसको बंद करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन का रेयर में आपको बहुत ही खूबसूरत ऑफ रोड बम्पर मिलता है। अब इसमें अच्छी बात ये दोस्तों कि साइड में भी आपको यहाँ पर हल्की सी जगह मिलती है, तो इनकेस अगर आप अंदर की तरफ चढ़ते हैं तो यहाँ से भी आप हल्का सा पैर रखकर चढ़ सकते हैं, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार की दिखने वाली ग्रिल मिलती है। एंड उसके साथ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 4 पार्किंग सेंसर। ऑप्शन की बहुत मिनिमलिस्टिक मगर खूबसूरत ब्रांडिंग। एंड अंदर की तरफ यहाँ पर मिलती ऑफ रोड लाइट। सेम टाइम पे यहाँ पर आपकी स्टॉक नंबर प्लेट आ जाएगी। नीचे की तरफ यहाँ पर आप टोइंग हुक लगाना चाहें तो टोइंग हुक भी लगा सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं ऑफ रोडिंग करने के लिए गया था, आगे की तरफ भैया ने विंच से लेकर पता नहीं क्या क्या लगा रखा था और रेयर के अंदर रिकवरी पॉइंट था 0। अब जैसे ही आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही बहुत खूबसूरत, हम ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं मोटर गैराज पे। वैसे भी हर दूसरे तीसरे दिन एक नई हाइलेक्स आती है, अभी उस हाइलेक्स के बारे में बताएंगे तैयार होने के लिए। तो यहाँ पर उस गाड़ी के अंदर आपको कुछ और मिल रहा था और एक और हाइलेक्स थी उसमें कुछ इस प्रकार का ही ऑप्शन के लगे हुए थे साइड फुट स्टेप्स, विच लुक्स ब्यूटिफुल एंड मजबूत। उसके साथ ही जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही बोनट स्कूप लगा हुआ है जो कि लुक को और ज़्यादा एनहांस कर रहा है। एंड ऊपर की तरफ रूफ माउंटेड आपको फ्रंट में 2 लाइट्स मिलती है। अमेजिंग बात यह है कि ये जो लाइट्स लगी हुई है ये इंडिकेटर की तरह भी काम करती है। फ्रंट लुक कुछ इस प्रकार का आपको मिलता है हाइलेक्स में एंड साइड लुक कुछ ऐसा। तो जब भी आप एक स्टॉक गाड़ी लोगे तो नाउ यू नो कि आपकी गाड़ी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अब जैसे ही यहाँ पर आप आते हो वैसे ही आपको डोर क्लैडिंग मिल रही होती है, दरवाज़ा खोलोगे टच हो जाएगी तो मेन पेंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एंड पीछे की तरफ यहाँ पर भी आपको वैसी की वैसी क्लैडिंग मिलती है जो कि लुक को कर देती है और ज़्यादा इम्प्रूव। अब आपको क्या लग रहा है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? सो वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको इसमें मिलते हैं सस्पेंशन अपग्रेड। सो ब्लू एंड येलो कलर मीन्स कम्फर्ट। एंड उसके साथ ही जैसे ही आप आगे की तरफ देखते हैं वैसे ही नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मिलती है अंडर बॉडी प्रोटेक्शन। सो वैसे ही हाइलेक्स बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग केपेबल है और उसके साथ में आप अगर उसकी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करो इससे अमेजिंग क्या हो सकता है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही हमारी फेवरेट रूफ रैक एल्यूमिनियम की बनी हुई है, लाइट वेट है, बॉडी रोल नहीं होता मगर आपका प्रैक्टिकल जो पर्पज़ है वो हो जाता है सॉल्व। एंड वैसी की वैसी एक रूफ रैक यहाँ पर भी रखी हुई है और उसके साथ ही जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे एक बहुत खूबसूरत हाइलेक्स आप लोगों को और दिखाते हैं। सो यहाँ पर जब आप देखते हैं अटेंशन टू डिटेल, बिल्कुल हिडन आपको 2 लाइट्स यहाँ मिलती है, बहुत अच्छा इनका प्लेसमेंट है। एक्चुअली दूर से देखने पे आपको लाइट बिल्कुल भी नहीं दिखती एंड यू ऑल नो कि स्टॉक जो हेडलाइट है ना हाइलेक्स की वो ओकेश है। एंड उसके साथ ही जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही यहाँ जो प्रोजेक्टर है इनकी लाइट्स भी अपग्रेडेड है। ऊपर की तरफ यहाँ पर हेला की ब्लैक मैजिक 2 लाइटें और लगी हुई है एंड क्या खूबसूरत है यार। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं राइनो के आपको यहाँ पर अलॉय व्हील्स मिलते हैं, अनब्रेकेबल है, सिंगल पीस है, पूरा का पूरा सिंगल कास्ट एल्यूमिनियम में आपको ये पूरा अलॉय व्हील मिल रहा होता है। बीएफ गुडरिच टायर है। अगर मैं साइज की बात करूँ तो क्या साइज इसमें लगा हुआ है। सो इसके अंदर 265/70R17 है। अब देखो दोस्तों ये जो चॉइस है ना टायर की ये मेरी फेवरेट है क्योंकि आपकी 255 स्टॉक साइज आती है या 265 ही स्टॉक आती है। सेम टाइम आप अपग्रेड करते हो तो आपकी मनूवरेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। हालांकि जिसको हल्का सा फील गुड और ज़्यादा चाहिए होता है वो 285 पे शिफ्ट कर जाते हैं। मेरा पर्सनल चॉइस 265 है जो कि स्टॉक साइज आता है। एंड अंदर की तरफ जब आप देखते हो तो आपको अपर आर्म्स उसके साथ में वर्ल्ड बेस्ट ऑफ रोडिंग सस्पेंशन किंग्स मिलते हैं जो कि ट्यूनेबल है। सुभान अल्लाह खूबसूरत है ना, बिल्कुल सऊदी वाली स्टाइल के अंदर। एंड उसके साथ ही आपको मिलती है बहुत ही खूबसूरत एस्थेटिकली ब्यूटिफुल हाइलेक्स। सो अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है अगर आप लोगों को भी अपनी गाड़ी में कस्टमाइज़ करानी हो तो यू हैव ए प्लेस, motorgarage.in गुरुग्राम गूगल पे सर्च करें, यहाँ पर आओ, पहले बात कर लो फ़ोन पर और अपने हिसाब से जो भी एक्सेसरीज आप लगाना चाहते हो उनको ऑलरेडी प्लान कर लो। ये रही पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है और 1-to-1 अगर आपको मुझसे बात करनी है तो fancall.com करके एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आप fancall को रजिस्टर कराओ, डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करो। 1-to-1 अगर आपको कोई कस्टमाइज़ करना है, कोई भी बात जाननी हो तो हम वीडियो कॉल पर एक दूसरे से वहाँ पर बात कर सकते हैं।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सपोज करो आपको दोनों ही काम नहीं करने, तो हमारी सोशल मीडिया पर हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करो, एक दूसरे से बात करेंगे और ऐसा कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते जाएंगे। तब तक ख्याल रखो, सेफ रहो, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए, और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को दबा दें। ये वीडियो उन सारे दोस्तों को शेयर कर दें जिनके पास कोई ऑफरोडिंग व्हीकल है या जिनको ऑफरोडिंग व्हीकल अपने हिसाब से तैयार करवाना है। तब तक सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो और हमारे साथ ऐसे ही बहुत सारे एडवेंचर करते जाओ। तब तक बाय बाय।